प्रशासन के दावे झूठ नहीं हो रहा, अतिवृष्टि से नुकसान हुई फसलों का सर्वे, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। शिवपुरी जिले में पिछले माह हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से कई ग्रामों की फसलों और मकानों को भारी नुकसान कर दिया था। कई जगह तो नुकसान इतना हुआ कि ग्रामीणों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए। वहीं शासन के द्वारा अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन के द्वारा सर्वे कराने की बात कही थी। ये सर्वे शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे सर्वे की गति धीमी हो गई। आज कई ग्राम ऐसे हैं जहां पर नुकसान का सर्वे नहीं हुआ है। ऐसे ही गांव बरखेड़ा खुर्द जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे नहीं हुआ, यहां कोई भी अधिकारी या टीम सर्वे के लिए नहीं पहुंची। आज मंगलवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। ग्रामीणों ने बताया कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण उनकी सोयाबीन की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, इससे आर्थिक हालत खराब हो गए हैं। इस संबंध में हमने संबंधित अधिकारियों से भी नुकसान का सर्वे करने की गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपके पास शिकायत लेकर आए हैं, इसलिए टीम को भेजकर सर्वे करें और हमें जल्द मुआवजा दिलाया जाए। कलेक्टर महोदय के पास आए थे, हमारी क्या ग्राम पंचायत बरखेड़ा खुर्द की सोयाबीन अन्यथा सब फसल नष्ट हो चुकी है और अभी तक ग्राम पंचायत बरखेड़ा खुर्द में कोई भी अधिकारी सर्वे के लिए नहीं पहुंचा। तो हमने पटवारी महोदय से पूछा कि हमारे ग्राम में क्यों सर्वे नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश नहीं आए, आप कलेक्टर महोदय के पास जाएं। तो आज कलेक्टर महोदय के पास आए थे तो उन्होंने बोला कि पहले आप तहसीलदार महोदय को आवेदन दें। तो SDM महोदय के पास अब जा रहे हैं हम लोग। कितने लोगों को क्या नुकसान हो गया? सोयाबीन की फसल ये है, सोयाबीन की फसल, इसमें एक भी फली नहीं बताओगे पूरी पंचायत में, पूरी खेतों में जाके आप एक भी फली नहीं देखेगी, एक भी दाना होगी पूरी फसल। तो अभी कलेक्टर साहब से बात हुई तो क्या? कलेक्टर महोदय से बात हुई, उन्हें कि आप SDM साहब को ज्ञापन दीजिए, आपका हम सर्वे करवाएंगे।